चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, देन द टाइम टेकन फॉर द चेंज फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव पीक वैल्यू एंड पॉजिटिव पीक वैल्यू टू नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ द करंट आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले अगर मैं अगर एसी का करंट का ग्राफ बनाऊं, तो ये यहाँ पर करंट है ज़ीरो और यहाँ करंट है मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का एक ऑसिलेशन का टाइम लगता है टी, तो ज़ीरो से पीक का कितना लगेगा, टी बाई फोर होगा। तो टी बाई फोर और पीक से पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक के बीच में टाइम कितना होगा, टी बाई टू होगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी बाई टू होगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टी इज इक्वल टू वन अपॉन न्यू होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये इतना 1/50 सेकेंड होगा। तो अगर टी बाई फोर पीक से पहला पार्ट अगर देखा जाए, जीरो से पीक पॉजिटिव पीक, देखो जीरो से लेकर पॉजिटिव पीक वैल्यू में टाइम कितना लगेगा, तो टी बाई फोर लगेगा। तो टी बाई फोर मतलब 1/50 डिवाइडेड बाई फोर यानी 1/200 सेकेंड। तो 1/200 सेकेंड कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक में ही है, पहले में ही ए में। अब ये भी देख लेते हैं, पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक वैल्यू का कितना होगा टाइम, टी बाई टू होगा। तो 1/50 डिवाइडेड बाई टू 1/100 सेकेंड। तो पहला ही ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।